हेलो दोस्तों, स्वागत है खास बात में। हम करते हैं आपके साथ कुछ खास बातें अपने देश और राज्य के बारे में। तो सब्सक्राइब कीजिए खास बात चैनल को और बने रहिए खास बात के साथ। धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों आज बात करने वाले हैं हम वैशाली जिला के बारे में, जो कि प्राचीन से ही एक पवित्र स्थल के रूप में माना जाता है, खासकर बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म के लोगों के लिए। दोस्तों वैशाली जनसंख्या के मामले में बिहार का 10वां सबसे बड़ा जिला है एवं क्षेत्रफल के मामले में बिहार का 14वां सबसे छोटा जिला है। दोस्तों इस जिले का बॉर्डर उत्तर में मुजफ्फरपुर से, दक्षिण में पटना से, पूर्व में समस्तीपुर से तथा पश्चिम में जिला से मिलती है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ऐसे जिले की जिसने प्राचीन में ही विश्व को गणराज्य का पाठ पढ़ाया था। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वैशाली जिला के बारे में कुछ नया जो शायद आप नहीं जानते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है खास बात में। मैं हूँ आपके साथ सौरभ झा। चलिए करते हैं कुछ खास बात वैशाली जिले की। दोस्तों आप हमारी अन्य वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप वैशाली जिला को सही से जान सकें। दोस्तों वैशाली तिरहुत प्रमंडल का एक जिला है जो मुजफ्फरपुर से अलग होकर 1972 ईस्वी में एक जिला बना। इस जिला का मुख्यालय हाजीपुर है। दोस्तों इस जिला के अंतर्गत 3 सब डिवीजन आते हैं जिसमें 16 ब्लॉक्स शामिल हैं। दोस्तों वैशाली जिले का नाम महाभारत काल के राजा विशाल के नाम पर रखा गया है और इस जिले की प्राचीनता का पता इस बात से चलता है कि इस जिले का उल्लेख विष्णु पुराण में मिलता है, जिसमें उस समय इस क्षेत्र पर 24 शासकों ने शासन किया था। इनमें से जो अंतिम शासक था वो भगवान श्री राम के पिता दशरथ के समकालीन थे। दोस्तों जिस समय वैशाली में प्रथम गणतंत्र की स्थापना हुई थी उस समय वैशाली एक प्राचीन महानगर हुआ करता था और मिथिला के वज्जी संघ की राजधानी भी थी। दोस्तों वैशाली जिला भगवान महावीर की जन्मस्थली होने के कारण यह स्थल जैन धर्म के लोगों के लिए एक पवित्र स्थल है और दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि गौतम बुद्ध ने यहाँ पर 3 बार दौरा किया था और यहाँ पर बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश भी दिया था और यहीं पर अपने परिनिर्वाण की घोषणा भी की थी। दोस्तों इस जिले का क्षेत्रफल 2036 किलोमीटर स्क्वायर है और यहाँ की जनसंख्या 2011 की जनसंख्या के अनुसार 35 लाख के आसपास थी, जो वर्तमान में 38 से 41 लाख के बीच हो सकती है। दोस्तों यहाँ की जनसंख्या में हिंदू 90.2%, मुस्लिम 9.56% और लगभग 0.2% के अंतर्गत अन्य धर्म के लोग आते हैं। दोस्तों यहाँ की लिंगानुपात 895 है, यानी कि यहाँ पर 1000 पुरुषों पर 895 महिलाएं आती है। दोस्तों यहाँ की प्रमुख भाषा बज्जिका और हिंदी है, परंतु यहाँ का शिक्षा माध्यम हिंदी एवं अंग्रेजी है। दोस्तों यहाँ पर कई गवर्नमेंट एवं प्राइवेट स्कूल्स है जो कि यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को संतुलित बनाती है, जिसके कारण ही यहाँ की साक्षरता दर 66.06% तक पहुँच पाई है। दोस्तों सारा जिला गंगा के उत्तरी मैदान में स्थित है, जिसके कारण यहाँ पर काफी अच्छी कृषि होती है। यहाँ की प्रमुख कृषि में गेहूं, चावल और मक्का आते हैं और यह बिहार में केला, आम और लीची के उत्पादन के लिए भी जाना जाता है। दोस्तों यहाँ की नदियों में गंगा, गंडक, बया और नून इत्यादि प्रमुख हैं। और अंत में दोस्तों हम यहाँ के पर्यटन स्थलों को जानते हैं। यहाँ के पर्यटन स्थलों में अशोक स्तंभ, बौद्ध स्तूप, अभिषेक पुष्करणी, राजा विशाल का गढ़, कुंडलपुर, विश्व शांति स्तूप इत्यादि प्रमुख हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगली वीडियो मैं किस जिले पे बनाऊं हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें एवं कमेंट करें और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारी अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।